चार पाँच महीने पहला सत दरिया दे विच बाढ़ आई। बाढ़ आने दे नाल जिहड़ा मोगा जिला के धर्मकोट के अधीन पेंदे करीब 13 तो 14 पिंड जिहड़े आ बाढ़ की चपेट च आ गए थे। और हुण मैं दिखा रहा सतलुज दरिया का कंढा है जिहड़ा कि मोगा जिले के धर्मकोट हल्के पैंदा। और सारी जगह दे विच जिहड़ा करीब 8-8, 9-9 फुट जिहड़ा इत्थे पानी खड़ा सीगा और सारी जिहड़ी झोने की फसल सी वह सारी तबाह हो गई सीगी। उस तो बाद सरकार ने बड़े वादे किए कि लोगों नूं जिहड़ा हैगा पूरा मुआवजा दिता जाएगा। इस वेले जगवाड़ी की टीम जिहड़ी आ उह पिंड शेरेवाला दे विच खड़ी हैगी है। तो शेरेवाला दे किसानां दे नाल पिंड वासियां नाल गल करदे हां कि जिहड़ा उन्हां दा नुकसान होया सी की उस नुकसान की सरकार वल्लों कोई भरपाई की गई है नहीं। मेरे कुछ पिंड वासी भी खड़े ने शेरेवाला दे पिंड वासी हैगे ने जिन्हां दी सारी फसल जिहड़ी आ उदों पानी दे विच तबाह हो गई थी। तो उन्होंने गल करते हैं पुछते हैं कि कितना क नुकसान होया। हाजी भाजी की नाम तुहाडा? इंदरजीत सिंह। किहड़े पिंड तों? पिंड शेरेवाला जी। तो बाढ़ दे विच जिहड़ा तुहाडा कितना क नुकसान होया सीगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचा, कोई जमीन नहीं। जमीन दे विच कईआं जमीनां दे विच रेता भी भर गई ते झोना दा बचा ही नहीं सी इक मरला भी। इस तों पहलां 2018 च भी आया सीगा, 2018 दे विच भी साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होया ते उहदा भी हजे मुआवजा नहीं सानूं मिलिया। 2018 वाला मुआवजा भी नहीं मिलिया। हुण कुछ थोड़ा थोड़ा खातों के पिया लोगों के, अजे भी डीसी वाले 5.5 लाख रुपया उत्थे जिहड़ा साडा मोगे अजे भी अड़िया पिया। तो जिहड़ा की कारण है की नहीं क्यों नहीं मिल रहा? हुण असीं जांदे आ सारी पंचायतां जांदियां ने, डीसी साहब कहिंदे आ भी दूजा अज पौने खाते च कल पौने खाते च कुछ पाया 12-13 लाख जिहड़ा किसानां नूं मिल गया थोड़ा थोड़ा। 18 वाला वह भी किसी का 2000 पटवारी साहब ने बनाया, किसी का 4000 बनाया, किसी का 10000 बनाया। गुरदौरी होगी सारे? हाँ जी गुरदौरी हुई है। हुण जिहड़ा 2019 वाला है कुछ गुरदौरियां रह गईआं ने। जिहड़ा हुण 2019 वाला है 2019 दे विच भी कहिंदे ने 5 करोड़ रुपया आ गया तुहानूं देना असीं 5 किले वाले नूं। हुण जिन्हें 10 किले जां 20 किले जमीन ठेके दित्ती है उहदा की बनेगा 5 किले वाले का? तो 5 किले वाले दे विचों भी किसी का पता नहीं 2 का मिलना कि 3 का मिलना है। 2019 जी बाढ़ आई थी इन्हें भी तो कुछ मुआवजा मिले या नहीं मिले? नहीं जी नहीं सानू कुछ। इदा का कहना भी साढ़े को जो 2018 के जो बाढ़ आई थी वह भी मुआवजा नहीं हाल तक मिले। तो 2019 का जरा मुआवजा वह हले मिले नहीं गा और सरकार दे कोल पैसा आ चुका पर सरकार क्यों नहीं दे रही इन्हें बारे जो है ए डी सी कई बार मिल चुके हैं। हाँ जी की नाम जी? तहल सिंह जी। किहड़े पिंड तों? शेरेवाला जी। जे गल की पिंड की तो कि रकबा जरा इतने पानी की चपेट? 368 किले जी। 368 किले चपेट गए। तो मुआवजे की गल करिए मुआवजा जी जो 18 का सी उनका कुछ सानू परसेंट ना मिले, किसी ने 3000 किले का, किसी ने 2000 किले का, कुछ मिले ने कुछ अजे बचे रही देने कई बने ही नहीं। हम ऐसकी वाला जो मुआवजा उन्हें चु सू कोई पैसा नहीं मिले। 20 मिले एक गट्टा एक किले का, एक गट्टा एक किले का 20 किला मिले, किला 20 मिले उन्हें कुछ मिले होर कुछ नहीं मिले। ते गुरदौरी वगैरह कर गए पटवारी? गुरदौरी पटवारी कर गए ने सानू आ दे ने कर गए जो सानू मिलया कुछ नहीं। साडे की पता नहीं होई गुरदौरी कि नहीं होई। नहीं पटवारी तुहानू मिले कि नहीं मिले? पटवारी मिलेगा तो उहदे ने ही बनाता है जिहड़ा सरकार ने। यह सी पिंड शेरेवाला दे कुछ किसान जिन्हां ने दस्या कि सानू यह भी नहीं पता कि साडियां गुरदौरियां हो चुकियां जां नहीं हो चुकियां। इहनां नूं ऐतकी बाढ़ तो बाद भी जरूर मिलिया है, वह भी इन्होंने दस्या कि जी 2 रुपये किलो कणक जी है दी जाती है उही बीज के रूप में इन्हों मिली हैगी है। पर सरकार वालों हाल तक कोई भी मुआवजा नहीं दिता गया। जगबाणी की टीम तुहानू अज पूरे दरिया के जिहड़े पिंड सी बाढ़ दे विच पिंड आए थे उन्हां सारा दा दौरा करवा रही है। असीं हुण खड़े सी शेरेवाला च, शेरेवाला दी है सारी जमीन जिहड़ी हैगी है ये सारी दी सारी जिहड़ी है दरिया के पानी की मार हेठ आ गई, जिहदे नाल जिन्ना भी झोना इत्थे लग्गा सी सारा दा सारा तबाह हो गया सी। असीं चलदे हां अगे ते होर पिंडां दे विच चलदे हां ते उत्थों दे हाल जानदे हां कि उन्हां लोकां नूं कुछ मुआवजा मिलिया जां नहीं मिलिया। हुण असीं पहुंचे हां पिंड संगेड़ा दे विच। संगेड़ा दी जे गल कीती जावे तां इत्थों दे ज़्यादातर जिहड़े मकान हैगे ने वह गिर गए सीगे। करीब 30 तो 40 मकान जिहड़े सीगे कच्चे मकान से सारे गिर गए सीगे। और हुण तुसीं तस्वीरां देख रहे हो, मेरा सहयोगी तो तस्वीरां दिखा रहा कि जिहड़े मकान गिरे हुए सीगे सरकार वल्लों कोई मुआवजा नहीं दिता गया। तो ये मकान हुण फूस दियां कंधां बना के ते
तरपैलां दी छत बना के ये लोग इत्थे हुण रह रहे ने। सर्दियां दे विच ये लोग जिहड़ियां तरपैलां दीआं छतां दे विच जिहड़ा हैगा अपना गुजारा कर रहे ने और रह रहे ने, रातां कट रहे ने। लेकिन सरकार वल्लों जिहड़ा इहनां नूं मुआवजा देण दे वड्डे वड्डे दावे किए गए सी कि इहनां दे घर जिहड़े आ बहुत ही जल्दी बना के दे दित्ते जाणगे, पर जे अज्ज दी वी गल करिए ते अज्ज लोग जिहड़ा हैगे ने अपनीआं तरपैलां दे थल्ले और छप्पड़ी दे थल्ले रह रहे ने। मेरे नाल कुछ महिलावां हैगीआं ने इस घर दीआं, गल करांगे उहनां। हाँ जी, की नाम जी तुहाडा? सरजीत कौर। सरजीत कौर जी, किन्ने कमरे छे कद मी आज पूज जाने कि लुकने किधर लुकने। सर्दियां दे कोई नी, मसे गुजारा करी जाने कि आगू गबाल के कोई किवें कोई किवें, कोई नहीं साड़ी तो कोई सुनदा ही नहीं, कोई नहीं आण के किसे सहायता दीती सानू ते भी किसे नहीं, ना कोई सरकार लो ना कोई भी हुंदा ही आ कुछ, ना कुछ भी नहीं दिता सानू। तो हुण कोई तुहाडे वर्गे कोई भैणा भरा कोई दे देण सहायता कि कोई सुनदे आ ते साड़ी कर देण सहायता तो चंगा ही आ। ते औखे बहुत हैगे असी, माल पशु भी किन्ने मकान सी जिहड़े डिग गए? साडे पिंड च हैगे सी भी 19-20 मकान सीगे किहड़े डिग गए गिर गए आ। ते भी लोकां दे किसे नूं मिलिया कोई मुआवजा? कुछ नहीं मुआवजा, कुछ भी नहीं साडे पिंड च मिलिया। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਖਲੇ ਦਾਏ ਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਗਿਰ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ। इस घर की गल करते हाँ जिथे कि दो कमरे का यह घर सीगा और दोनों कमरे जिहड़े तुसीं तस्वीरां दिखा रहे सहयोगी दिलीप बिल्कुल गिर गए सीगे और इन्हां नूं कोई भी जिहड़ा मुआवजा नहीं मिलिया। अज्ज यह जिहड़ा है तरपैलां दी छत दे थले रहण वास्ते मजबूर सी। कोशिश करदे आ अंदर कमरे अंदर जाण दी ते देखदे आ कि अंदर कमरे विच जिहड़ा रहण बसेरा बणिया होया किद्दां दा हैगा रहण बसेरा। ये तुसीं देख रहे हो तस्वीरां दे विच इस मकान जिथे कि बहुत ही वधिया मकान बनिया होया सीगा और गिर गया सी। अज इह मकान छपरी बन के जिहड़ा इत्थे इह रह रहे ने लोग ते अपना गुजारा कर रहे ने। चलदे आ अगे ते पिंड दे होर मकानां दे बारे जानकारी करदे आ ते होर लोगों नूं पुछदे आ कि संघेड़ा पिंड दे विच किन्ने कु लोगों नूं जिहड़ा हैगा इत्थे मुआवजा मिलिया जां नहीं मिलिया। बाढ़ की चपेट आए पिंडां दा जगबाणी टीवी वालों तुहानूं जिहड़ा हैगा जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि 6 महीने पहला जिहड़ी इन्हां पिंडां दे विच बाढ़ आई सीगी हुण इन्हां लोगों का किहो जिहा जीवन है कि इन्हां लोगों नूं इन्हां पिंड वासियों नूं कोई सरकार वल्लों माली सहायता मिली जां नहीं मिली। जे गल की जाए इस पिंड की संघेड़ा की तो संघेड़ा के पिंड करीबन 20-25 मकान जोड़े है बिल्कुल टह ढेरी हो गए थे। मेरा सहयोगी दिलीप तुम दिखा रहा कि जोड़े गिरे हुए मकान से अज उन्हों का की हाल है। ये लोग जोड़े है तरपैलों के रहन मजबूर ने और काने दिया छत बना के इतने रह रहे हैं पर गुजारा कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों के दिन सर्दियों के जोड़ा है गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हों। तस्वीर के तो मैं अंदर दिखाना जोड़े कमरे इन्होंने बनाए हुए हैं जिस कमर रह रहे हैं इन कमर का हाल देखो। ये छोटे छोटे कमरे बना के इतने इन कमर जोड़ा है गुजारा कर रहे हैं। इन्हों का इतें ही बैडरूम है, इतें ही किचन है, इस जगह के उत्ते सारा कुछ इन्हों का बनाया हुआ। छोटे छोटे बच्चों लैके जरा घर के जोड़े है वो इस कमर च रह रहे मेरे नाल इतों के है लोग इन्होंने पूछते हाँ जी की ना जी थोड़ा? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਘਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸਭ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਤਰਪੈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੋਂਦਾ ਵੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਵੇਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕੋਠੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਪਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਡੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਝੱਟ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਮਰੇ 4 ਸੀਗੇ।
छप्पर पाए माड़ा मोटा जो मीह गणी आंदा बहुत औखा वा जवाकां नूं वी लै के बहना एक थां ते कुड़े सारी रात बैठा भी नहीं जांदा साडा बहुत ही मुश्किल आ रहा सरकार वाले सानूं कुछ भी नहीं मिल रहा बहुत ही मुश्किल हालातों के नाल जिहड़े लोग गुजारा कर रहे हैं सरकार वालों बड़े बड़े दावे किए गए कि इतों मुआवजा मिलेगा पर सरकार वालों कोई मुआवजा नहीं मिलेगा गा चलते हैं अगे तो अगे होर मकाना का हाल देखते हैं तो होर लोगों का जीवन देखते हैं कि किस तरह के नाल जिहड़े लोग इतों के रह रहे हैं मेरा सहयोगी दिलीप तुहानू दिखा रहा सीगा तस्वीर के ये लोग जरा किस तरह गुजारा करते हैं असी हुण पहुंचे हैं पिंड के अंदर तो पिंड के अंदर का जरा तुहानू हाल दिखा रहे हैं कि ये लोग जिहड़े आ टेंटा के रहने मजबूर ने इन्नी सर्दी के जरा बच्चों लैके टेंटा के रह रहे हैं अगे भी तुहानू तस्वीर असी सारिया दिखा रहे हैं कि किस तरह लोगों का जरा इतों का रहन सहन बनया है और लोग किवें रह रहे हैं कि बहुत माड़े बंदे बैठे कुछ नहीं मिलता सर्दियों के बीच अदा टेंटा च किवे रह रहे हो एवें ही हुण माड़ा मोटा गुजारा कीते जांदे टाइम पास कीते जांदे सानू कुछ नहीं मिलदा इत्थे टाइम पास किया जा रहा है पर सरकार वालों जरा कुछ माड़ी मोटी सहायता जी समाजिक संस्थावान ने उदों की सी पर उस तो बाद जरा खाण पीन का समाजिक संस्थावान वालों जरा अरेजमेंट किया गया सामने तस्वीर भी तुम देख रहे हो किस तरह जोड़े बजुर्ग बच्चे जोड़े है वो इतने अपनी जिंदगी जी बसर कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद है कि जगबाणी टीवी जरा इनू सरकार तक पहुँचाएगा और सरकार इस देख के शायद साढ़े कुछ कर्मों के सू जरा सा मुआवजा जरा बनता है वह सरकार देगी ये आने वाला टाइम ही दसेगा पर जगबाणी टीम वालों जरा तो पल पल की जी है इतों के अज की जी पोजिशन हैगी है लोगों का किदा का रहन सहन है किमें उन्होंने मकान गिर गए तो किमें अजो रह रहे हैं ये थानू जगबाणी टीवी की टीम जी है दिखा रही है चलते हैं अगे तो होर भी देखते हैं लोगों का की हाल है किस तरह के लोग जोड़े है इतने अपना जीवन जरा बतीत कर रहे हैं बाढ़ की तबाही के निशान अज भी जोड़े है इन पिंड देखे गए हैं मेरे सहयोगी दिलीप ने तुम सारिया तस्वीर के इतों का हाल दिखाया संघेड़े पिंड का शेरे वाले का होर कंबोह पिंड का कई पिंड का जरा अभी तुम्हें हाल दिखाया तो हूँ असी गल करते हाँ सबका सरपंच साढ़े नाल है सरूप सिंह इन्हों पुछते हाँ कि सरपंच साहब की हालात इस वेले जोड़े है बाढ़ तो बाद सरपंच साहब जी गल की जाए अज्दी तो अज के की हालात ने थोड़े पिंड के अज के हालात जी जिमें पानी आया से जदों उस तरह ही हाले तक हालात है जिमें करीब साढ़े पिंड 25 मकान कच्चे गिर गए से वो हाले तक कोई सानू उहदी सहायता नहीं मिली ना कोई सानू उहदा मुआवजा मिलिया जिहड़ी जमीन साडी जाने के झोना सीगा सारा मर गया तबाह हो गया सी उहदी हाले तक असैसमेंट नहीं बनी सानू उहदा मुआवजा नहीं हाले तक मिले कोई पैसा नहीं मिला नहीं जी नहीं मिले पशु भी काफ़ी जिहड़े हाँ जी पशु भी रुड़ गया सी प्रभावित होए जिहड़ा सारे तूड़ियां खराब हो गईयां सी सारे उह सानू हाले तक कोई उहदा मुआवजा नहीं मिले अज किवें लोग रह रहे ने हाले औखा ही आ जी तकरीबन आप आपका गुजारा मसा ही चला रहे हैं जिमें कि मान लो उदों झोना मर गया तो कई संस्थावां ने साडे खाद मुहैया की जां डीजल दिता उहदे आसरे नाल असीं कणक बीजली है तो हुण औखा ही है बहुत औखा है जिवें कि सारे मकान गिर गए सी हाँ जी मकान वो आ देखो जी तरपालां दे विच लोक रह रहे हैं बहुत औखा जी तैयार नहीं किए गए जल्दी सियाल आ गया सर्दियाँ आ गई तो हुण लोग तरपालों के ही रह रहे हैं तुसीं पिंड दे विच जाके देख लो आ देखो तरपालों के ही है जी की मंग कर दी मंग सरकार पास यही करते हैं कि एक तो मुआवजा दिता जाए जल्द तो जल्द तो जोड़ा साड़िया फसलों तबाह हुई से असैसमेंट जल्दी बने सानू जल्दी जोड़ा 2018 के आया से हड़ आया से हाले तक सानू पेमेंट नहीं हुई से जाने के वह बन गई वो असैसमेंट बन गई आए नहीं बस अज भेजते हैं पलके भेजते हैं सरकार पास अं तो यही मंग करते हैं कि साड़ी सहायता कर ये सन साबका सरपंच सरूप सिंह जिन्होंने दसिया कि संघेड़ा पिंड जो गल की जाए तो संघेड़ा पिंड करीब 25 तो 30 मकान जोड़े कच्चे सके वह गिर गए कुछ जोड़े पक्के मकान से उन्होंने तेड़ा आ गई सगिया सरकार ने सर्वे तो कई बार किए पर मुआवजा जरा अज तक नहीं मिलेगा गा जे फसलों की गल की जाए तो इतों दारिया फसल जीडिया पानी के डुब गई थी जिस जगह के उत्ते अं खड़े हाँ ये जगह के उत्ते करीब 10-10 फुट पानी सगा और लोगों जरा
बीड़िया राही प्रशासन ने बाहर तो ले आंदा सीगा, पर जिहड़े उन्होंने मकान सीगे वह सारे जिहड़े आ टै टैरी हो गए सीगे। अज उड़ीक करते हैं सरकार तो, उम्मीद करते हैं सरकार तो कि शायद सरकार जिहड़ी आ सानू जल्दी मुआवजे देवे, तो असी फिर जिहड़े पहलां वर्गे साडे कच्चे पक्के मकान सी उन्होंने नूं बना के तो दुबारा उन्होंने विच जिहड़ा रहा जाए। असी तस्वीरां दे विच तुहानूं सारा कुछ दिखाया कि किस तरह का लोग जिहड़े हैगे आ इस वेले तंबूआं दे थले, तरपैलां दे थले और कानियां दीआं छत्तां बना के रह रहे ने। वेखना होवेगा आने वाले टाइम दे विच कि सरकार जिहड़ियां इन्हां पिंडां वल ध्यान करदियां या नहीं, ये तो आने वाला समय ही दसेगा। सहयोगी दिलीप दे नाल विपन ओकाड़ा, जगबनी टीवी, मोगा।